न्यायपालिका का तो मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन न्यायपालिका ने जो कल निर्णय दिया है इस निर्णय से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और इसलिए सहमत नहीं हूँ कि एक तरफ जज कहते हैं कि पुरातत्व के खुदाई को हम इनकार नहीं कर सकते, साक्ष्य को हम इनकार नहीं कर सकते, दूसरे तरफ फिर वो बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद जो बनी है उस मस्जिद से पहले मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई भी नहीं गई है। और ये भी आया है कि 1949 में वहाँ पर दो मूर्ति मस्जिद में रखी गई है। और इतना सब प्रमाण के बाद भी आखिर एक पक्षी निर्णय कैसे हो गया? जिस तरीके से निर्णय हुआ है, मैं तो सोच रही थी जब शुरुआत हुआ तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो जो स्थान है विवादित स्थान, वो स्थान किसे पक्के पक्ष में नहीं जाएगा बल्कि उसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। हमको तो ये विश्वास है कि जब तक साक्ष्य को क्लियर नहीं करते हैं और साक्ष्य के आधार पर यदि निर्णय देने की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय धरोहर घोषित होगा या कोई विश्वविद्यालय बनेगा या कुछ ऐसा चीज विद्यालय बन जाएगा जिसमें सभी जात धर्म संप्रदाय के लोग वहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे और सारे लोग विवाद भी खत्म होंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एक पक्षीय निर्णय आज से नहीं हो रहा है। जब से हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब भारत के संविधान को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में जब वो दे रहे थे तो उसी समय उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले की नियत साफ नहीं होगी तो हमारा संविधान धरा का धरा ही रह जाएगा। उस समय बाबा साहब ने बात कही थी और आज वो बात सामने आ रही है कि संविधान के तहत निर्णय नहीं हो रहा है। निर्णय हो रहा है कि जैसे राजतंत्र में होता था, राजा जो चाहता था वो निर्णय सुनाता था और वो उस निर्णय को सभी लोग मानते थे। उसी तरीके से जब जब इस देश में बीजेपी की सरकार आई और तब तब ये साजिश रची गई, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे उस समय भी भारत के संविधान को बदलने की तैयारी